કોરોના સંક્રમણથી શહેરને બચાવવા ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશને આજે 200 કાપડ માર્કેટો અને 80,000 કાપડના વેપારીઓ વતી મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, કલેક્ટર ડોક્ટર ધવલ પટેલ, પાલિકા કમિશનર પાણીને પત્ર લખી કોરોના સંક્રમણની સ્થિતિમાં કોરોનાની ચેઇન તોડવા માટે 7 દિવસનું સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન લાગુ કરવાની માંગ કરી. कल हमारी संस्था ने एक लेटर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहब को लिखा, जिसमें हम मार्केट एसोसिएशन के संस्था फोस्टन ने उनसे अपील की है कि आप लॉकडाउन कीजिए और एक वीक के लिए, जो वर्तमान कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर की स्थिति है वो सूरत शहर के लिए बहुत ही खराब है. केवल कपड़ा मार्केट बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने पिछले सैटरडे संडे दो दिन के लिए 48 घंटे की इस चेन को रोकने के लिए कपड़ा मार्केट बंद रखी. लेकिन उससे हुआ क्या है कि व्यापारियों में, छोटे व्यापारियों में डर भी बैठ गया, मतलब लेबर में भी डर बैठ गया और लेबर यहां से जाने लग गई है, काफी लेबर. तो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि आप एक वीक का अगर लॉकडाउन करते हैं तो शायद यह चेन रुकेगी, क्योंकि कल ही प्रशासन ने हमारी संस्था फोस्टा को लेटर दिया. उन्होंने अपील की है कि आप अपने कपड़ा मार्केट 7 दिन के लिए बंद करके और अगले 7 दिन के लिए ऑड इवन सिस्टम को लागू करें. लेकिन खाली कपड़ा मार्केट बंद करने से यह संक्रमण रुकने वाला नहीं है. अतः हमने माननीय मुख्यमंत्री रूपाणी साहब से यह अपील की है कि आप संपूर्ण लॉकडाउन करें 7 दिन के लिए, तो ही यह संक्रमण को हम रोक पाएंगे.